हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गोभी के पराठे। आसानी से हम इसकी फिलिंग कैसे बनाएं? तो मैंने ये दो गोभी लिए हैं, 1 किलो हमारी गोभी है। आप कितनी भी ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हम काट लेंगे। पीछे का हिस्सा जो है हम ये अलग कर लेंगे। ये देखो, ऐसे मोटे मोटे भाग में हम इसको तोड़ लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, फिर हमें इसको कसने में दिक्कत होगी। तरीके से ये देखिए, हमारी गोभी सारी कट चुकी है। इसी तरीके से हमें काटनी है। अब मैं इसको धो लूंगी अच्छे से। ये देखिए, मैंने सारी गोभी धो ली है अच्छे से। मैंने एक भिगोना लिया है, इसमें मैंने थोड़ा पानी रखा है, ये बॉइल हो चुका है। गोभी काटने से पहले मैंने ये गैस पर रख दिया था। अब इसमें हम ये गोभी जो है ये इसमें उबालेंगे। हमें ज्यादा देर नहीं उबालना है, 5 मिनट के लिए हम इसको इसी गर्म पानी में थोड़ी देर उबालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी गोभी थोड़ी नरम हो जाएगी और हमारे पराठे आसानी से भर जाएंगे। ये देखिए, 5 मिनट के लिए हम इसको उबाल लेंगे। हमारी गोभी का कलर चेंज हो जाएगा जब तक हमें उबालना है। ये ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के बाद कलर चेंज हो जाएगा। अब इसको हम उबलने देते हैं। 5 मिनट हो चुकी हैं, गोभी हमारी उबल चुकी है और गोभी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको पानी से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी उबली हुई गोभी है। अब ये हम घिया कस ले लेंगे। यहाँ पे मैंने घिया कस ले लिया है। अब इसको मैं कस लूंगी। इस तरीके से इसको कस लेंगे, आसानी से कस जाएगी ये। हमारी गोभी कस चुकी है, मैंने ये सारी गोभी कस ली है। ये एक प्याज ले लिए, ये बारीक काट लिए। 2-3 हरी मिर्च थी वो भी काट लिए। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैंने मामदस्ते में कूट लिया है। फ्राईदान रख दिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब ये प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, इसका कच्चापन खत्म करना है हमें। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हमें ज्यादा नहीं भूननी है प्याज। ये देखिए, प्याज का जो खड़ापन है वो हमारा ठीक हो चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम इसमें। हरी मिर्च डाल देंगे, इनको भून लेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया डालेंगे, जीरा पाउडर, थोड़ा हींग, इसको मिक्स करेंगे। अभी हमारी गोभी जो है हम इनको डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम लास्ट में डालेंगे उतारने के बाद इसको। गोभी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, सारा मसाला अच्छे से मिल गया है इसके साथ।
अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको ज्यादा देर नहीं भूनना है। ये हो चुकी है, इसमें हम नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार आप कम ज्यादा जितना भी डालना चाहते हो डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तवा रख लिया है यहाँ पे, छोटी सी लोई लेंगे हम, ये दो लोई ले लेंगे, इसको बेल लेंगे। इसी तरीके से एक और ले लेंगे। अब इसमें जो हमारी गोभी है वो इस तरीके से रखेंगे बीच में, और ये दूसरी रोटी जो है हम ये ऊपर से रखेंगे इस तरीके से, इसको दबाएंगे। अब हल्के हाथ से इसको हम बेलेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हमारे पराठे कहीं से नहीं फटेंगे। गोभी का पराठा हमारा तैयार हो चुका है, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।